थोड़ी सी चीजें अजीब लगेंगी, राम जी का स्वरूप जो था वो ग्रहण करने योग्य चीजें थी,
कृष्ण जी के स्वरूप में ज्यादातर चीजें जो थी वो ग्रहण करने योग्य नहीं थी, लेकिन फिर भी हमने ये देखा चीजें करी। क्यों? क्योंकि बहुत बार समय आता है कि आपको अपने लोगों के साथ ही युद्ध करना पड़ता है। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि आपको हर चीज से लर्निंग लेनी चाहिए। तो सेम मैं उस टेन्योर की बात करता हूँ जब अंग्रेजों ने हम लोगों पे शासन किया, ठीक है। उससे पहले बहुत सारे आक्रमणकार आए, आक्रमणकारी आए जिन्होंने लेविश लाइफ के लिए चीज़ें बनाई, अपने विलासिता की चीज़ें बनाई। मैंने नहीं देखा कि बहुत सारे मतलब लोग आए, शासक आए, बहुत समय समय पर उन्होंने शासन किया, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने ऐसी नहीं बनाई जो नेक्स्ट जनरेशन के लिए या किसी के लिए भी वो कामयाब मतलब काम आए, ठीक है। ज़्यादातर चीज़ें उन लोगों ने ऐसी बनाई अपने लिए, विलासिता दिखाने के लिए। जबकि मैं अगर थोड़ा सा अंग्रेजों वाला पार्ट देखूं 200 250 300 साल का, तो उन्होंने इतना कुछ क्रिएट कराया ना कि मतलब आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल देता हूँ, लोहे का पुल जो यमुना बिराज पर बना गया है, कोई सोच नहीं सकता उस पुल को बने हुए आज 160-170 साल हो गए, ठीक है। पैरेलली हम लोग भी एक पुल बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मैंने जो सुना है 40 साल हो गए हम लोग नहीं बना पाए। आप सोच के देखो कि आज जब बारिश ज़्यादा हो जाती है तो यमुना जब भर जाती है तो पुल बंद हो जाता है, ट्रेनें रुक जाती हैं, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। 150 साल पहले, पौने 200 साल पहले उनकी डेडिकेशन देखो आप लोग, ठीक है, विज़न देखो उनका, ठीक है। हम लोग चीज़ें, ये टॉपिक तो हमेशा डिस्कस करते ही रहते हैं, उन्होंने चीज़ें ख़राब दी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास ऐसी हैं कि 80-90% मैं चीज़ें देखता हूँ अपने आसपास, चाहे आप लोहे के पुल की बात कर लीजिए, चाहे आप कोलकाता का हावड़ा ब्रिज की बात कर लीजिए, ऐसे सैकड़ों पुल हैं, आपका रेलवे का संस्थान है, आप लुटियंस में जाते हैं, कनाट प्लेस में जाते हैं, सब कुछ अंग्रेजों का बनाया हुआ। उनका डेडिकेशन देखो, आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रतिष्ठान की बात करते हो रेलवे की, आप बहुत फख्र से कहते हो कि हम रेलवे हमारे तड़प, वो किसका बनाया गया है? अंग्रेजों का बनाया हुआ। मैं जिस स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ वो 1909 का कॉलेज है, और आज भी हम उन चीज़ों को मेंटेन नहीं कर पाते। तो मैं इस टॉपिक पे इसलिए नहीं बात करना चाह रहा था, जैसे अभी कुछ लोगों ने कहा कि भाई देश को गाली बकते, वो गाली नहीं बकना होता, वो बेसिकली है क्या कि आप अपने लोगों से ये उम्मीद करते हो कि आप चीज़ों से बेहतर भी सीखो, लर्निंग करो। ऐसा नहीं है कि आप हमेशा उनसे ख़राब चीज़ें दो। विज़न देखो उनका, आप विज़न का मतलब समझो। सबसे बड़ी बात विज़न क्या होता है कि आप सपोज करो कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, आपने कोई पुल बनाया, आपने ये सोचा कि भाई ये पुल 10 साल में या 20 साल में बनेगा और उस समय तक लोगों की आबादी इतनी बढ़ जाएगी। उन लोगों का विज़न देखो, वो 100-150 साल का विज़न लेके चलते थे कि यार अगर आबादी बढ़ गई 10 या 20 साल में भी तो हमने पुल बनाया, पता चला वो इम्पैक्ट नहीं कर रहा लोगों को। विज़न होना चाहिए, गोल्स शॉर्ट टर्म होने चाहिए लेकिन विज़न लंबा होना चाहिए। जब आप इतना मेगा स्ट्रक्चर बनाते हो, प्रोजेक्ट्स बनाते हो, तो आपका विज़न 100 साल का, 150 साल का होना चाहिए, ये नहीं शॉर्ट टर्म 2-5 साल। तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि सारी चीज़ें ख़राब ही नहीं होती। मैं भी उतना ही देश से प्यार करता हूँ जितना आप लोग करते हो, लेकिन मैं हर चीज़ में कोशिश करता हूँ कुछ लर्निंग लेने की और कुछ पॉजिटिव ढूंढने की। तो मुझे उनका ये पार्ट बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने मतलब आप इग्नोर ही नहीं कर सकते, अगर करते हैं तो गलत है। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ऐसी दी हैं और बनाई हैं जो हमें डेली लाइफ में हमें देखने को मिलती है। तो बस यही कहूँगा कि थोड़ा सा इस चीज़ को भी समझे कि आपकी लाइफ में, डेली लाइफ में डेडिकेशन होनी चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए और थोड़ा सा विज़न होना चाहिए। बस यही मैं कहना चाहूँगा कि लर्निंग देनी चाहिए। ऐसी होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर खड़े जवानों पर जाकर देख लें। चलो फिर से वो नज़ारा याद कर लें, शहीदों के दिल में थी जो ज्वाला को याद कर लें, जिसमें बेहतर आज़ादी पहुंची थी किनारे पर, बलिदानियों के खून की वो धारा याद कर लें। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। दिल हमारा एक है, एक हमारी जान है, हिंदुस्तान हमारा है, हम इसकी जान। सीने में जुनून और आँखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ, दुश्मन की सांसें थम जाए ऐसी आवाज़ में इतनी धमक रखता हूँ। मरने के बाद भी जिसके नाम में जान है, ऐसे जवाब सैनिक हमारे भारत की शान है। अपनी आज़ादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। ये दिन है अभिमान का, हर माता की मान का, नहीं जाएगा रक्त व्यर्थ वीरों के बलिदान का। जश्न आज़ादी का मुबारक हो देश वालों को, फंदे से मोहब्बत थी हम वतन के मतवालों को।
कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि के अभिमान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान के शान का है। जय हिंद जय भारत। सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। मैं एक पोयम बोलना चाहता हूँ जो कि इंग्लिश में है। उसका शीर्षक है आई लव माई नेशन। विद हिमालयज इन द नॉर्थ, इंडियन ओशन इन द साउथ, अरेबियन सी इन द वेस्ट, बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, आई लव माई नेशन। With developed culture and beautiful sculptures, the people have no rest to do their work best. I have my nation, I love my nation. They give us rice in ration, they dress in latest fashion. They do many inventions which are about fiction. I love my nation. With numbers of hill station which are God's creation, it give us protection and save us from tension. Thank you. झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर चली के आगे, और झुक गए बड़े बड़े सरदार तेरी मोर आगे, और झुक गए बड़े बड़े सरकार तेरी मोर छड़ी के आगे। राजा को रंग बना दे, निर्धन को सेठ बना दे, राजा को रंग बना दे, निर्धन को सेठ बना दे, झुक गए बड़े बड़े साहूकार तेरी मोर छड़ी के आगे। चाहे कोई आंख दिखाए, चाहे कोई शान दिखाए, चाहे कोई आंख दिखाए, चाहे कोई शान दिखाए, टूटा अहंकार हर बार तेरी मोर छड़ी के, टूटा हर बार अहंकार तेरी मोर छड़ी के। चाहे कोई घात लगाए, चाहे प्रतिघात लगाए, कटे गए बड़े बड़े तलवार तेरी मोर छड़ी के आगे। सूरज तेरी महिमा गाए, चरणों में शीश झुकाए, सूरज तेरी महिमा गाए, चरणों में शीश झुकाए, झुक गया कलयुग में संसार तेरी मोर छड़ी के, झुक गए बड़े बड़े सरकार तेरी मोर छड़ी के आगे। और ना मेरी तकदीर का है और ना सारे जहान का, ना मेरी तकदीर का है और ना सारे जहान का, मेरे पास जो कुछ है दिया हुआ है शाम का, मेरे पास जो कुछ है दिया हुआ है शाम का, बड़ी पड़ी है झोपड़ी शाम के एहसान से, बड़ी पड़ी है झोपड़ी शाम के एहसान से, रोम रोम में कर्ज पड़ा है बाबा के एहसान में, रोम रोम में कर्ज पड़ा है बाबा का एहसान का, मेरे घर में जो कुछ है दिया हुआ है शाम का। और साथी हमारा कौन बनेगा, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, आ गया घर पे तेरे सुनाई हो जाए, आ गया घर पे तेरे सुनाई हो जाए, जिंदगी से दुखों की मेरे विदाई हो जाए, एक नजर कृपा की डालो मानूंगा एहसान तेरा, मानूंगा एहसान। कटे गया हमारे पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़े गई है, पानी है सर से ऊपर, मुसीबत अड़े गई है, आज हमको तुम्हारे जरूरत पड़ गई है, आज हमको तुम्हारे जरूरत पड़ गई है, अपने हाथ से हाथ पकड़ लो मानूंगा एहसान, अपने हाथ से हाथ पकड़ लो मानूंगा एहसान,
साथ हमारे कौन चलेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। बोले ठाकुर नरेश की जय। तीन बार नरेश के आपने बात ऐसी है, लेकर इजाजत अब आपसे, सांसें ये आती जाती है, ढूंढे से मिलते रही है हम, बस आप ही आप बाकी है, पल भर न दूरी सहे आपसे, बेताबियां ये कुछ और है, हम दूर होके भी पास है, नजदीकियां ये कुछ और है, देखा हजारों दफा तुझको फिर बेकरारी कैसी है, संभाले समझता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है, आगोश में है जो आपकी, ऐसा सुकून और पाए कहाँ, आंखें हमें ये रास आ गई, अब हम यहाँ से जाए कहाँ, देखा हजारों दफा आपको फिर बेकरारी कैसी है, संभाले समझता नहीं ये दिल, कुछ प्यार में बात ऐसी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान देंगे ए वतन तेरे।